एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपने वीडियो जो है टाइटल से भी पढ़ लिया होगा, थंबनेल से भी देख लिया होगा। आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है जो कि नॉर्मल मेकअप से क्रिएट किया है, बट जो स्टार ऑफ द शो है इस पूरी वीडियो का वो है बेस मेकअप यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ ओलिविया। तो मैंने बेस प्रोडक्ट्स के लिए मैंने ओलिविया का पैनकेक यूज़ करा है और ओलिविया की पैनस्टिक। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वॉज लाइक फुल कवरेज। ये मेकअप बेस जो था ये आपको स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ प्लस मैट एंड ऑयली स्किन वालों के लिए तो यू नो ऑसम वाला बेस है, बिकॉज पैनकेक्स जो होते हैं वो आपको पाउडर फिनिश देते हैं एंड आपका जो फेस है फाउंडेशन बेस होता है उसको बिल्कुल मैट फिनिश देते हैं एंड ये वाटरप्रूफ भी होते हैं। सो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वॉज लाइक ओ माई गॉड, इट वॉज लाइक फुल कवरेज फाउंडेशन। लाइक आपको 120 रुपीज़ में फुल कवरेज बेस कहाँ मिलेगा, तो यही मिलेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगा। बहुत अमेजिंग था। मैंने जब इन दोनों को ट्राई आउट करा I was like literally stunned. मैं चाहती थी कि I really wanted कि you guys should try this out because ये बहुत amazing है, बहुत amazing है। बिल्कुल केकअप नहीं करा। Like मतलब ऐसा होता है कि जब भी हम you know pancakes के ऊपर क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, साथ में यूज़ करते हैं दोनों को, तो केकअप करने लगता है, बहुत ज़्यादा फेक लगने लगता है। बट ऐसा कुछ नहीं था, ये आपको फुल वाला फुल कवरेज बेस देगा। अगर आपके पास कोई हाई एंड फाउंडेशन है तो आप उससे इसे डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज ये अमेजिंग था और इतने कम पैसों में आपको इतना अमेजिंग वाला यू नो फुल कवरेज वाला। आई वॉज लाइक लिटरली स्टन। अगर आपको देखना है कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, अभी हम वो वीडियो देखेंगे, बट उसमें जाने से पहले मैंने ओलिविया के पैनकेक पे एक फुल रिव्यू वीडियो बनाई है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ओलिविया के पैनस्टिक पे एक फुल रिव्यू वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज मैंने पैनस्टिक जो है वो फर्स्ट टाइम यूज़ करी थी एंड डेफिनेटली आई जस्ट लिटरली लव्ड इट। पैनकेक भी बहुत अमेजिंग है। तो मैंने इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आज ये बेस क्रिएट किया है एंड ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। ज़्यादा यू नो मज़ा आया इस लुक को क्रिएट करने में। जब आपका बेस ऑसम होता है ना तो आपको मेकअप करने में मज़ा आता है। तो मेरा बेस वॉज लाइक माय बेस डे वॉज गुड टुडे, तो मुझे बहुत अमेजिंग लगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे जाओ, वहाँ एक सब्सक्राइब बटन होगा उसको हिट कर देना। उसको हिट करने के बाद बराबर में एक बेल आइकन होगा। अब आपको क्या होगा, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, उसके बाद में जो बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर देना। बेल आइकन हिट करने के बाद क्या होता है, जब भी मैं न्यू वीडियोज अपलोड करूंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप मिस नहीं कर पाओगे। और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो तो उसके आपके लिए भी एक काम है, जरूर करो। पहले उसके बराबर में सब्सक्राइब बटन के बराबर में एक यू नो थम्स अप का बटन होगा, उसको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाना और मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो यस, आपको बस इतना थोड़ा सा काम करना है और फिर पूरी वीडियो एंजॉय करनी है। तो यस, ये काम करके वीडियो वॉच करना। ओके तो चलो अब स्टार्ट। ओके तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मॉइस्चराइजिंग से। मॉइस्चराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी स्किन को प्रेप अप करना। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ जॉनसन रिबी का क्रीम। ये बहुत ज़्यादा ड्यूवी फिनिश देता है। लाइक विंटर्स में अगर आपकी स्किन ड्राई होती है, सबकी होती है, ऑयली वालों की भी विंटर्स में ड्राई हो जाती है थोड़ी बहुत, तो ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, आप इसे डेफिनेटली यूज़ करो। मैं इसे पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद यूज़ करूँगी एक लिप बाम जो कि है स्विस ब्यूटी का किसमी लिप बाम। मेरा शेड है पीच एंड लिप बाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मैट लिपस्टिक अप्लाई करने वाले हो तो आपकी लिप्स को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट कर देती है, उसके लिए लिप बाम से पहले से नरिज रखो अपने लिप्स। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैलियो का 24 आवर्स बेस परफेक्ट बेस प्राइमर। ये समवॉट ऑयल प्लस सिलिकॉन कंसिस्टेंसी का है, इफ दैट मींस पूरा ही सिलिकॉन कंसिस्टेंसी का नहीं है, बट डेफिनेटली आपके जो टेक्सचर को बहुत अच्छे से यू नो बहुत इवन आउट करता है टेक्सचर को, आपको पता नहीं चलेगा, और पोर्स को बहुत अच्छे से हाइड अप कर देता है, क्लोज कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ओलिविया की पैनस्टिक जो कि हमारा स्टार ऑफ द शो है, और मैं शेड मैच कर रही थी बिकॉज मेरा जो फेस है वो थोड़ा सा टैन है और मेरा जो बॉडी का शेड है वो समवॉट फेयरर है देन टू माई फेस। मैं इसे पूरे अपने फेस पे स्वाइप अप मोशन में स्लाइड करते हुए पूरे फेस पे लगा लूँगी और फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर रही हूँ एंड यू कैन सी दिस इज़ रियल टाइम। मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं करी, यू कैन डेफिनेटली सी कितने amazingly you know blend हो रहा है। मतलब मुझे ज़्यादा हार्शनेस नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ा उसके साथ, बहुत ईजिली एक से दो स्वाइप में आराम से दो टैप्स में ब्लेंड हो जा रहा है। लाइक मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रीमी थी पैनस्टिक, डेफिनेटली अब मुझे समझ में आया कि इतना ज़्यादा लोग क्यों पीपल वर गोइंग क्रेजी आउट। अब मैं इसी से अपने हाईएस्ट पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी एज अ कंसीलर, इसे यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट लेयर वाली फाउंडेशन वाली लेयर से इससे मेरे डार्क सर्कल्स हिडन हो गए थे, बट थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए मैं इसे अपने अंडर आइज में भी अप्लाई किया है और मैं इसे नॉर्मली डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ एंड डेफिनेटली ब्लेंड तो ये
यू नो बहुत ही अमेजिंग तरीके से ब्लेंड हो जाता है. ज़्यादा एफर्ट्स डालने की नीड ही नहीं. यू कैन डेफिनेटली सी, ओह माय गॉड, इट वाज लाइक सो अमेजिंग. आप चाहो तो उसको ऐसे ही रख सकते हो एक पाउडर से सेट करके, बट मैं यूज़ करूँगी ओलिविया का वाटरप्रूफ पैनकेक क्योंकि हमारी वीडियो है इस पर. इससे दो चीज़ें होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पूरा बेस होगा वो एक पाउडरी फिनिश से पाउडर फिनिश देगा आपको, एंड सेकेंडली आपको और कवरेज मिल जाएगी. तो पैनकेक यूज़ करने का ये दो फायदा है, और पैनकेक आपको बहुत सीमलेस वाली यू नो फिनिश देता है. आई वॉज जस्ट लविंग माई बेस. मेरा शेड पैनकेक में 24 हनी है. फिर मैं यूज करूंगी डोडो गर्ल की कॉन्टोर पैलेट, और इसमें से दोनों डार्केस्ट शेड को पिकअप करके मैं अपने कॉन्टोर्स पे अप्लाई करूंगी, लाइक चीक बोन्स पे, जॉ लाइन पे, डबल चिन पे, और साइड ऑफ माय यू नो हेयर लाइन पे थोड़ा सा अप्लाई करूंगी, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. ब्लेंड करने के बाद मैं यू नो जॉ लाइन पे अप्लाई करूंगी एंड ऑल दैट. फिर उसके बाद मैं एक पेंसिल ब्रश पे लेकर अपने नोज को थोड़ा सा कंटूर कर रही हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइटली सा, इतना नोटिसेबल भी नहीं होगा. फिर मैं ब्लश के लिए ले रही हूँ स्टील पैरिस का ब्लश, जो कि 6 ब्लशर्स है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड एक्सट्रीमली वाला. बहुत लाइट हैंडली मैं ऑरेंज कलर का ब्लश पिकअप करके अपने एपल ऑफ चीक्स पे अप्लाई करी हूँ, थोड़ा सा नोज पे भी थोड़ा सा डेवलप लगने के लिए. बट डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली सी द बेस. ओ माई गॉड, इट इज़ लुकिंग सो अमेजिंग. बेस इतना सीमलेस था, फुल कवरेज बेस है. आई वॉज जस्ट लविंग माई बेस, आई कॉन्ट इवन टेल यू. फिर मैं यूज़ करी हूँ बेकिंग हाईलाइटर फ्रॉम इन कलर. मेरा शेड है 01 हाई बीम. बहुत स्लाइटली सा हाईलाइट करी हूँ, आज मैं ग्लो बॉल नहीं बन रही. द ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, और बिटवीन माई ब्राउज, बस यहीं सब अप्लाई करे जो यूजुअल एरियाज है, बट ग्लो बॉल नहीं बनी, बहुत स्लाइटली सा अप्लाई करा है. फिर आई शेडो के लिए मैं अपनी क्रीसेस को रिमूव कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मेरे आई शेडोज में अपनी क्रीसेस पॉप आउट हो. तो मैं क्रीसेस को रिमूव करके एक ऐसा डार्क ब्राउन सा शेड ले रही हूँ. आप प्लीज़ जो शेड लो वो काफ़ी डीप हो ब्राउन में, इतना नोटिस करना. एंड मैं इसे एक फ्लैट शेडर ब्रश से पैट कर रही हूँ अपने आईलेट पे, सिंपली आईलेट पे पैट कर रही हूँ. बट मुझे थोड़ी सी फॉल आउट दिख रही थी इसमें, तो मैंने एक पैनकेक मैंने अपने पैनकेक को ब्रश से पिक करा और अपने अंडर आइज में लगा रही हूँ, ताकि जो भी फॉल आउट हो सब पैनकेक पे यू नो पाउडर पे आ जाए और मेरे अंडर आइज ना बिगड़े. फिर मैं इसे फिर से वही कर रही हूँ फ्लैट शेडर ब्रश से अपने आईज पे पैट कर रही हूँ इस कलर को, डीप ब्राउन कलर को अच्छे से पैट कर रही हूँ, ताकि मुझे यू नो इंटेंसिफाई हो जाए. फिर मैं एक ऑरेंज सा शेड लेकर, ये ऐसा कुछ ऑरेंज सा शेड ले सकते हो आप. फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक फ्लफी सा ब्लेंडिंग ब्रश है, जो मैंने ब्राउन शेड अप्लाई करा था उसकी जो क्रीसेस थी, उसकी जो लाइंस थी, उनको ब्लेंड आउट और स्मोक आउट करने के लिए मैं ऑरेंज सबसे पीछे अप्लाई कर रही हूँ. हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते ट्रांजिशन शेड तक पहुँच जाएंगे. फिर मैं ये ट्रांजिशन सा शेड ले रही हूँ, बहुत टॉप शेड है, बहुत लाइट सा शेड है, स्किन लाइक है. तो मैं इसे सबसे पीछे ऑरेंज के भी पीछे लगा दूंगी, ताकि ऑरेंज की भी कोई हार्श लाइंस ना दिखें. तो इसे वहाँ पर मैं ब्लेंड कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई भी किसी का भी हार्श लाइंस ना दिखे और एक ओम्ब्रे सा कट आए. फिर मैं सेम पैनकेक को एक फ्लैट शेडर ब्रश पे लेकर कट क्रीज कर रही हूँ. कट क्रीज में मतलब ज़्यादा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ईजी होता है, बट आप धीरे धीरे कनेक्ट करते जाओ. फिर मैं ये दो शिमर शेड्स ले रही हूँ, एक समवॉट पर्पल पिंकिश शेड है और एक ऑरेंज शेड है. मैं इसे ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ, बट ब्रश से मुझे इतनी पिगमेंटेशन नहीं दिखी थी. फिर मैंने इसको फिंगर से अप्लाई कर लिया था, और जो मेरा यू नो बस मैं इसको सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड हाफ लिड पर अप्लाई कर रही हूँ. थर्ड हाफ लिड पर मैं ब्राउन ही रख रही हूँ, ब्राउन को भी मैंने इंटेंसीफाई कर लिया था, बिकॉज आई थॉट कि आई वॉज लूजिंग कलर. फिर मैं ले रही हूँ आई लाइनर, जो कि है ये डीप मैट ब्लैक आईज आई लाइनर फ्रॉम स्विस ब्यूटी, और इसको मैं अपनी आईज पर अप्लाई कर रही हूँ नॉर्मल विंग आई लाइनर. These days I've been messing out with eyeliner. I don't know, मतलब I've not been into eyeliners from longer such a long time, but I've been messing. But you know, मैं अपनी रूटीन में वापस ले आऊँगी eyeliner को. So फॉल्सीज अप्लाई करी हूँ, फॉल्सीज के लिए मैं यूज़ करी हूँ #7307, और ये कलर्स क्वीन की फॉल्सीज हैं, ये दो पेयर्स में आती हैं. तो मैंने इसको अपने आईज पे पॉप अप कर लिया. एंड देन फॉर माय मस्कारा, मैं अपने लोअर लैश लाइन पे, लोअर लैशेस पे मस्कारा का कोट दूंगी, जो कि क्लासिक कलर्स का मस्कारा है, टू गिव देम सम वॉल्यूम एंड यू नो सम लेंथ एंड सम कलर. तो मैं उन्हें अपने लोअर लैशेस पे अप्लाई कर रही हूँ, और जैसे भी सूटेबल लगे आपको वैसे अप्लाई करा करिए, मतलब डोंट एंड अप मेसिंग. तो बहुत ईजिली अप्लाई करिए. लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मीट मैट हग्स द बाम का लिपस्टिक इन द शेड डेडिकेटेड. बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पिंक लगा था, लाइक मैंने इसे अपने लिप्स पे लगाया बट मेरे आई कलर से मैच नहीं कर रहा था. तो इसको लगाने के बाद फिर आई वॉन्टेड सम ब्राउन और सॉर्ट ऑफ चॉकलेट कलर, तो मेरे आईज में भी वैसा ही चल रहा था. तो मैंने मॉर्फी का लिपस्टिक यूज़ करा है, ये शेड निबल है, तो मैंने इसको उसी के ऊपर टॉप अप कर दिया. आप
चाहो तो एडीएस में से कोई चॉकलेट कलर ले सकते हो. देर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स, जहाँ से आपको कोई ये कलर मिल जाएगा. तो मैंने उसी के ऊपर टॉप अप कर दिया एंड अगेन मैं बहुत अच्छे से डिवाइन करी हूँ. सो यस, ये थी मेरी वीडियो. दिस वॉज क्रिएटिंग अ मेक, आप लोग यूजिंग ऑल द बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ओलिविया. होप आप लोग को अच्छी लगी. और अगर आप ट्राई आउट कर रहे हो तो मुझे जरूर बताना, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि आप ये ट्राई आउट करो और फिर मेरे पास आके थैंक यू जरूर बोलना, बिकॉज मुझे पता है कि कितना अमेजिंग. और मैं तो इस कॉम्बिनेशन को आगे जाके यूज जरूर करने वाली हूँ. ये जो है ये आपका लॉन्ग वाला इन्वेस्टमेंट है, आराम से आपका खूब लंबा चलेगा एंड आपको परफेक्ट वाला बेस देगा आपको किसी मैरिज पार्टी कहीं भी जाना. विद दिस 120 rupees बेस मेकअप एंड यू आर गुड टू गो. तो यस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करती हूँ और अब मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत एक्साइटिंग से टॉपिक्स के साथ. बट आई रियली वॉन्ट कि आप मेरे टॉपिक्स पहले से शेयर करें, हम लोग अपने टॉपिक्स एंड डिस्कस करें कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस किस पे चाहिए. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट पे मेरी आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा. आई रियली वॉन्ट जो आप मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, आई रियली वॉन्ट कि आपसे मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ. उसके लिए आपको मुझे फॉलो ही करना पड़ेगा मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट पे. वहाँ पे मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकती हूँ, लाइक बहुत सारे आइडियाज़ या बहुत सारी पोल्स कर सकती हूँ जो मुझे चाहिए कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे कर सकते हो. करना बिल्कुल मत भूलना. एंड टिल देन टेक केयर, आई लव यू गाइज़ अ लॉट. बाय.